भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले मेरी बात प्रारंभ करने से पूर्व तीन जयकारा बुलाना चाहता हूं। ये भारत माता की जय के तीन जयकारे इतनी ताकत से आप बोलिए कि हमारे देश के वीर जवानों को एक नया हौसला, नई ताकत मिल जाए। यह आपके आशीर्वाद बन के जाएगा। मैं नारा बुलवाता हूं, आप बोलेंगे पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी, यहां के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे साथी महेंद्रनाथ पांडे जी, श्रीमती अपराजिता सोनकर जी, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, वाराणसी के मेयर श्रीमती मीना चौबे जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती रीता जायसवाल जी, उपाध्यक्ष बाल आयोग श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, यहां से पूर्व विधायक, और यहां उपस्थित सभी बहनें और कुछ कुछ भाई। यूपी के अलग अलग कोने से यहां पधारी कर्मशील बहनों का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और काशी के सांसद के रूप में मैं आपका स्वागत भी करता हूं। और इस कार्यक्रम में सिर्फ आप अकेले नहीं है, सब बहनों को खुशी होगी, क्योंकि मुझे अभी भी जब मैं ऊपर आ रहा था मुझे बताया गया कि पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 75,000 अलग अलग स्थानों पर 65-70 लाख महिलाएं आज इस कार्यक्रम में काशी के साथ सीधी जुड़ी हुई है। हजारों कॉमन सर्विस सेंटरों पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही है। राज्य सरकारों के, भारत सरकार के अनेक मंत्री भी आज अलग अलग स्थान पर इस कार्यक्रम में मौजूद है, कई मुख्यमंत्री भी मौजूद है। मैं उन सबका आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज महिला सशक्तिकरण के लिए यह दिवस पूरे विश्व में एक नई चेतना, नया उत्साह प्रकटाता है, पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी को, देश की हर बेटी को, हर बहन को, हर माता को नमन करता हूं। आप सभी नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपकी सक्रिय भागीदारी और आशीर्वाद नए भारत के नए संस्कार घड़ने में बहुत अहम है। ये सुखद है कि महिला सशक्तिकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहन बेटियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला ये कार्यक्रम आज मेरी काशी में हो रहा है।
ये काशी नगरी अपने आप में महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा प्रतीक भी है। यहां मोक्षदायिनी मां गंगा भी है और उनको धारण करने वाले देवाधिदेव महादेव भी विराजमान है। यही काशी है जिसने देश को वीरांगना मणिकर्णिका यानी झांसी की रानी दी, जिन्होंने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत में नई ऊर्जा का संचार किया था। महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी प्रतीक देवी अहल्याबाई होलकर ने ही बाबा विश्वनाथ के मंदिर को वर्तमान स्वरूप देने का काम किया था। बहनों और भाइयों, सौभाग्य से आज मुझे भी माता अहिल्याबाई के संकल्प के साथ काशी के लाखों जनों और देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को उनकी भावनाओं के साथ आज मुझे खुद को जोड़ने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में उस बाबा के दिव्य प्रांगण को भव्य स्वरूप देने का काम, उसका आज शुभारंभ किया गया है। हजारों वर्ष से जिस दिव्यता की अनुभूति कर रहे हैं उसके साथ अब भव्यता का भी रंग रंगे जैसे रंग जाएगा। इस पुनीत कार्य का शुभारंभ करने के बाद आप सभी बहनों के बीच आपके श्रम को नमन करने के लिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं। और अभी मैंने ग्रामीण जीवन में अपना जीवन की आजीविका चलाने वाली दो बहनों के अनुभव सुने। आप मुझे बताइए, आपके मन को उनकी बातें छू गई कि नहीं छू गई? हमारी बहनें क्या कर सकती हैं, ये आपका विश्वास जगाया कि नहीं जगाया? हमारी बहनें अगर चाहती हैं तो कितना बदलाव ला सकती हैं, इन दो बहनों ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? अब सुना तो हमने दो बहनों को है, लेकिन हर बहन यहां जो बैठी है और जो हजारों लाखों बहनें इस कार्यक्रम के साथ दूसरी दस्तावेज पर जुड़ी है, उनकी भी ऐसी ही रोचक कहानी है, सफल कहानी है, प्रेरक कहानी है। साथियों, हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं आज चल रही है। प्रसूता माता के पोषण के लिए 6000 रुपये की सीधी मदद हो, अस्पतालों में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कराने की योजना हो, मुफ्त में टीकाकरण का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, स्कूल और घर में शौचालय की सुविधा हो, मुफ्त में गैस का कनेक्शन हो, या फिर बच्चियों के साथ राक्षसी कृत्य करने वाले बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान। ऐसी अनेक योजनाओं के मूल में आज बेटियों बहनों का उज्जवल भविष्य हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट में हम एक ऐसा कानून रखा है लाने के लिए, अच्छा होता पार्लियामेंट चलती तो वो भी काम मैं कर देता, लेकिन कभी कभी राजनीति ऊपर आ जाती है तो काम या तो धीरा हो जाता है या अटक जाता है।
हम एक ऐसा कानून ला रहे हैं, आपने देखा होगा कि विदेशों से लड़के शादी के लिए आते हैं और हमारे माँ बाप को भी लगता है चलो बेटी की शादी है, बेटी विदेश जाएगी और वहां जाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती और वो उसको चिंता ही नहीं करता। हम ऐसा कानून लाए हैं कि हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटियों विदेश में अगर शादी करके जाती और बाद में अगर उनके साथ धोखा होता है, अन्याय होता है, तो अब वो धोखा देने वाले बच नहीं पाएंगे। ऐसा कानून महिलाएं गांव में हो या शहर में, उन्हें उद्यमिता के अवसर मिलने में परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का फैसला भी हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी ये कानून नहीं है जो हमने किया है। 26 हफ्ते मतलब आधा वर्ष मां अपने नवजात बच्चे के साथ 6 महीने अब गुजार पाएगी, उसको नौकरी के लिए नहीं जाना होगा, सरकार उसकी चिंता करेगी। रात की शिफ्ट में महिलाएं काम कर सके, इसलिए हमारी सरकार ने नियमों में बदलाव किया। कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए दफ्तर में क्रैच की भी व्यवस्था का नियम बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उसमें महिलाओं के नाम घर की रजिस्ट्री कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। वरना हमारी समाज रचना कैसी है, घर है तो पति के नाम पर, दुकान है तो पति के नाम पर, गाड़ी है पति के नाम पर, खेत है पति के नाम पर, स्कूटर खरीदा पति के नाम पर, दुकान ली पति के नाम पर, और पति नहीं रहा तो सब कुछ बेटे के नाम पर, मां के नाम पर कुछ नहीं। हमने कानून बनाया कि भारत सरकार की तरफ से योजनाओं से जो मकान मिलेगा उस पर पहला नाम महिलाओं का रहेगा। महिलाओं को घरेलू जमीन और कृषि भूमि दोनों पर संयुक्त पट्टे से जमीन नीतिगत प्रावधान भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, खनन के क्षेत्र में अंडरग्राउंड काम करने के लिए पहले महिलाओं को मंजूरी नहीं मिलती थी। क्यों भाई, कभी कभी तो पुरुषों से ज्यादा काम करके दिखाती है। हमने कानून बदल दिया, अब वो काम भी महिलाएं चाहे तो कर सकती है। अब खनन क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए नए अवसर, नए मार्ग खुल गए हैं। हाल ही में ये भी फैसला लिया गया है कि भारतीय सैन्य सेवाओं के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। हमारे देश के फौजी जब पराक्रम करते हैं तो सिर्फ पुरुष को ही गर्व होता है ऐसा नहीं, बेटियों को भी लगता है अगर मौका मिले तो हम भी करके दिखाएंगे। लगता है कि नहीं लगता है? हमारी सेना ने अभी किया, उससे आप खुश हैं? हमारी सेना के लिए आपको गर्व होता है? आपका भी मन करता है कभी आपकी बेटी भी ऐसे ही खड़ी हो जाए? आपका मन करता है? ये काम हम कर रहे हैं। आज भारत में बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही है तो नाव से समंदर की पूरी परिक्रमा भी कर रही है। मुझे बताया गया है कि आज ही भोपाल से बिलासपुर के बीच एक ट्रेन चलाई जा रही है जिसमें ट्रेन की ड्राइवर, गार्ड, कर्मचारी सब महिलाएं हैं। और अभी योगी जी बता रहे थे, आज जब मैं काशी आया तो काशी का पूरा एयरपोर्ट का संचालन हमारी बहनें कर रही थी। अब देश में अनेक ट्रेनें पूरी तरह महिला टीमों द्वारा ही संचालित हो रही है। आज सुबह ही यहां वाराणसी में महिलाओं के नेतृत्व में
द ग्रेट गंगा रन के माध्यम से गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आयोजन किया गया। आप सभी बहने सशक्तिकरण के इस आंदोलन की पहचान है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में या फिर व्यक्तिगत रूप में आप सभी बहने गांव के जीवन को, भारत के जीवन को ठोस आधार मजबूती देने में जुटी हैं। आप जो काम कर रही है उससे अपने परिवार को तो सहारा दे ही रही है, देश को भी समृद्धि की तरफ ले जा रही है। चाहे कृषि क्षेत्र हो, डेयरी उद्योग हो, बुनकर हो, हस्तशिल्प हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं का योगदान न हो। अभी मैं अंदर आया उसके पहले कुछ इस प्रकार से काम करने वाली बहनों से बात करने का मुझे मौका मिला। उनका जो कॉन्फिडेंस था, कभी कभी तो हम गांव में पटवारी से बात करनी हो ना तो भी जरा सोचते हैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। मैंने देखा ये बहन ऐसे कॉन्फिडेंस से मेरे बात कर रही थी, इतना आत्मविश्वास था उनका। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, मन को इतना आनंद हुआ। और यही शक्ति है देश की, स्वावलंबन से सशक्तिकरण की ये यात्रा अब एक नए पड़ाव पर है, नए दौर में प्रवेश करने वाली है। साथियों, थोड़ी देर पहले यहां पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही मिट्टी में भी जान डालने वाले साथियों को विद्युत चाक दिए गए हैं, सोलार चरखे और मधुमक्खी पालन से जुड़ी चीजें दी गई हैं। इन सभी सुविधाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गांव में स्वरोजगार के अवसर बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमारी सरकार ने चलाया है। इसके तहत देश की करोड़ों बहनों को भी भारत से गरीबी को दूर करने की एक महत्वपूर्ण ताकत बनाने का व्यापक अभियान चल रहा है। अब से केंद्र में आपने हमारी सरकार को अवसर दिया है, तब से सेल्फ हेल्प ग्रुप के आंदोलन को नई ऊर्जा देने की कोशिश हमने की है। आजीविका मिशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बैंकों से ऋण लेना आसान हुआ है। यही कारण है कि 5 साल पहले ये हमारे पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप को करीब 23,000 करोड़ रुपए का बैंक का लोन मिलता था। मेरे आने के बाद सिर्फ 4 साल में ये रकम डबल हो गई, 23,000 के सामने 44,000 करोड़ हो गई। अगर पूरे 5 वर्षों की बात करें तो 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक सहायता देश भर के सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जा चुकी है, 2,00,000 करोड़ रुपए, जिससे आप सभी को आपके साधन जुटाने में मदद मिली है। साथियों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज सेल्फ हेल्प ग्रुप का यह अभियान देश के लगभग 625 जिले उसमें फैल चुका है और लगभग 6 करोड़ बहने, यानी एक प्रकार से 6 करोड़ परिवार, 50,00,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप को से जुड़े हैं, उसे चला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले 5-6 सालों में 8 से 10 करोड़ गरीब परिवारों को इस अभियान से जोड़ा जाए। और मैं तो चाहूंगा, मुझे बराबर गुजरात का एक अनुभव याद है। मैं मुख्यमंत्री था,
वहां पंचायतों के चुनाव हुए और नया नया था मैं मुख्यमंत्री, तो कोई ज्यादा वह समय मुझे नहीं हुआ था। तो वहां डाकोर करके एक तीर्थ क्षेत्र है, उसके नजदीक के गांव की बहनों ने मेरे से समय मांगा। तो मैंने कहा चलो भाई बहने, और मुझे मैसेज आया कि उस गांव में पंचायत के चुनाव में एक भी पुरुष जीता नहीं है, सबकी सब महिलाएं जीती। तो गांव वालों ने तय किया कि इस बार गांव का पंचायत का प्रधान महिला है तो कोई पुरुष चुनाव ही नहीं लड़ेगा, सब महिलाएं चुनाव लड़ेगी और महिलाएं जीतेगी। तो सारी महिलाएं मिलने आई, जो प्रधान बनी थी वो पांचवी कक्षा तक पढ़ी हुई थी, बाकी पढ़ी हुई भी नहीं थी, गांव की थी एकदम से। तो मैंने समय दिया, मैंने कहा आप मुझे मिलने आए क्या काम था। बोले पहली बात तो ये एक ऐसी पंचायत है जिसमें सबकी सब महिलाएं हैं, चुन करके आई है। तो मैंने उनको पूछा कि आप चुन करके आए तो बताओ गांव का क्या करोगे आप? आप हैरान हो जाएंगे, शायद इस देश में कोई भी चुना हुआ राजनेता हो, बड़ा मंत्री हो मुख्यमंत्री हो, उनको भी शायद ऐसा सवाल पूछोगे तो क्या जवाब देगा? रोड बनाएंगे, बस स्टेशन बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ऐसा ही जवाब देगा ना। इन महिलाओं ने मुझे ऐसा जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप चुन करके आए हो तो क्या करोगे? आज भी वो बात मैं भूलता नहीं हूं जी, मेरे लिए वो प्रेरणा बन गई है। उसमें एक ही बहन थी जो पांचवी कक्षा तक पढ़ी थी, 11 या 13 बहनें थी। उन्होंने मुझे क्या कहा? बोले हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। कितनी बड़ी बात बता दी। अगर एक एक गांव के मुखिया तय कर ले कि हमारे गांव से गरीबी हटानी है तो क्या इस देश में गरीबी बच पाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? उन महिलाओं का संकल्प मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा था। मैं ये स्वसहाय जूथों से कहना चाहता हूं, क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हम हमारे स्वसहाय जूथ को इतना ताकतवर बनाएंगे, इतना ताकतवर बनाएंगे कि उससे जुड़ी हुई कोई भी बहन, उसका परिवार गरीबी से बाहर ला करके ही रहेंगे, हमारे ग्रुप में कोई गरीब नहीं रहेगा, ऐसा निर्णय कर सकते हैं? कर सकते हैं? गरीबी का खात्मा बुला सकते हैं? अपने बलबूते पर कर सकते हैं? आप करिए, मैं आपके साथ हूं। यहां यूपी में भी जैसा कि योगी जी ने बताया भी है कि 1 करोड़ से अधिक गरीबी परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एक कोशिश की जा रही है कि हर घर से कम एक बहन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े, विशेष तौर पर दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, जनजाति आदिवासी समाज से हो, ऐसे परिवारों को इस प्रयास से जोड़ने का अभूतपूर्व प्रयास हम सब ने मिलकर के करना है। साथियों, इस अभियान को इतना व्यापक विस्तार देने की प्रेरणा इसकी सफलता से मिल रही है, जिसके मूल में आप सभी की सक्रियता और समर्पण है। आप कितना उत्कृष्ट काम कर रही हैं उसका एक उदाहरण यही यूपी से मैं आपको देता हूं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सोलर लैंप देने की एक मुहिम हमने शुरू की है, और अभी मैंने देख करके आया, उन बहनों को मिलकर के भी आया, 40-45 हजार लैंप बनाकर के वो बेच चुकी हैं। इसमें यूपी के 29 जिलों में 34 लाख सोलर लैंप दिया जाने का तय किया गया है। आप जैसे अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप इन सोलर लैंप्स को बनाने, यानी अलग अलग हिस्सों को जोड़ने और फिर उनको बांटने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि अभी तक 12 लाख सोलर लैंप बच्चों तक पहुंच गए हैं, और वो सिर्फ लैंप नहीं जा रहा है,
ये बच्चों के उज्जवल भविष्य की नई रोशनी जा रही है। एक काम जो शिक्षक करता है गांव में, आपने लैंप बनाकर भी, आप भले अनपढ़ होंगे, आपने उस बच्चे को पढ़ने की प्रेरणा दी है, ताकत दी है। अभी तक जो लैंप बांटे गए हैं उसी से ही लगभग 6 करोड़ रुपए की आमदनी सेल्फ हेल्प के ग्रुप को हो चुकी है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब कितना लाभ आपको और यूपी को होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारी सरकार ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही है। पिछले वर्ष सहकारिता के क्षेत्र में 31 लाख से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी लगभग 9 लाख महिलाओं का कौशल विकास किया गया है। मुझे यह भी बताया गया है कि आधुनिक कृषि कैसे की जाए, पशुपालन के लिए नई तकनीक का उपयोग कैसे हो, इसके लिए भी यूपी सरकार भी लगभग 90,000 बहनों को प्रशिक्षण दे रही है। इसी प्रकार बुंदेलखंड में लगभग 50,000 महिला किसानों को डेयरी वैल्यू चेन यानी डेयरी दूध का काम उसके भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस तरह के प्रयासों से बहनों बेटियों की वर्तमान आय में वृद्धि होनी तय है। हमारे देश में जो पशुपालन क्षेत्र है वो अधिकांश महिला ही संभालती है। हाल में हमारी सरकार ने तय किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पशुपालन से जुड़े किसानों को भी दी जाएगी। निश्चित तौर पर इसका लाभ भी महिलाओं को बड़े स्तर पर होगा। यहां काशी में डेयरी उद्योग को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। अमूल और बनास डेयरी के सहयोग से नया प्लांट लगने के बाद डेयरी उद्योग को नई ताकत मिली है। साथियों, हमारी सरकार द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के अतिरिक्त भी महिलाओं के स्वरोजगार के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। अभी तक देश भर में 15 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। इनमें से 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिला है। यहां उत्तर प्रदेश में भी 1.25 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के ऋण दिए गए हैं, जिसमें से 80-85 लाख महिलाएं हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा निर्मित उत्पादों की सही मार्केटिंग भी बहुत आवश्यक है। इसे समझते हुए हमारी सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में लगने वाले हाटों और मेलों का विस्तार कर दिया है। निजी कंपनियों से भी समझौते किए जा रहे हैं ताकि वो अपनी रिटेल चेन में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चीजें बनाते हैं उसी को वो खरीदें, आगे करें। भारत सरकार ने जो जेम पोर्टल बनाया है उससे अब महिला स्वसहायक समूह की बहनें सरकार को कितनी चीजें चाहिए वो भेज सकती हैं, आराम से भेज सकती हैं। कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं, कोई टेंडर वेंडर कुछ नहीं, आप सीधा उसमें डाल दीजिए। अगर आपका अच्छी चीज होगी, कम पैसे होंगे, सरकार खरीद लेगी। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के विस्तार को देखते हुए भी काम किया जा रहा है। अभी आप जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं उसका दायरा बढ़ाए जाने की भी जरूरत है। अब देखिए, मैं यहां आ रहा था तो जो अखबार का वेस्ट है उसमें से चीजें बना करके बेचने का काम एक ग्रुप कर रहा है जो मैंने देखा। अब देखिए, बेस्ट में से बेस्ट हमारा जो स्वच्छता अभियान चल रहा है ना, ये स्वसहायक समूह की बहनें अपने यहां जो कूड़ा कचरा वेस्ट है फेंक देते हैं, उसमें से कैसे बेस्ट बनाया जाए। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में वीडियो देखा था, एक मोटरसाइकिल के ऊपर किसी ने एक छोटा सा चक्कर बना दिया था और पुरानी साड़ियां खरीद खरीद करके उसको काट करके वो मशीन के साथ बांध देता था और 3 मिनट में वो साड़ी में से रस्सी बना देता था। अब इतनी मजबूत रस्सी उसने बना दी है, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के करता है। अब ये हमारी स्वसहायक समूह की बहनें कर सकती हैं। जो कूड़ा कचरा है उसमें से अच्छी चीजें बना करके कैसे बेच सकते हैं।
और धीरे धीरे इसका तो अभियान चलाना चाहिए कि वेस्ट में से वेल्थ कैसे बनाएं, वेस्ट में से वेल्थ कैसे क्रिएट करें, ये अतिरिक्त इनकम होगी, ये काम करिए कर सकते हैं हम। हमारे यहां एक नीम कोटिंग का हमने काम शुरू किया, यूरिया का नीम कोटिंग, जो नीम के पेड़ की फली होती है। कई स्व सहायक जूत की बहनें हम नीम की पेड़ की फली इकट्ठी करना और उसमें से तेल निकाल करके देना सरकार को, इस काम में लगी हुई है। पहले वो नीम की फली को कोई देखता नहीं था, आज उसमें से कमाई होने लगी है। यानी वेस्ट में से भी वेल्थ कैसे क्रिएट हो, ऐसे नए नए क्षेत्रों में भी मुझे लगता है जाना होगा। सीधी कुछ नए क्षेत्र जैसे हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल सर्विस सेक्टर में भी आपके समूहों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। अब मैंने देखा है कि कई शहरों में जो ऐसे स्व सहायक जूथ हैं, जो अस्पतालों में मरीज के रिश्तेदार आते हैं उनको खाना पहुंचाने का काम करते हैं, और लोग भी घर का अच्छा खाना मिलता है तो पैसे भी देते हैं, उनकी कमाई होती है, और जो मरीज के साथ जो लोग आते हैं उनकी भी सुविधा हो जाती है, जाकर के पैकेट में वो खाना देकर के आ जाते हैं उनके। कई शहरों में लड़के लड़कियां हॉस्टल में जगह नहीं होती है तो एक कमरे में पांच पांच छह छह बच्चियां रहती है पढ़ती हैं, पांच पांच छह छह लड़के रहते हैं पढ़ते हैं। तो ऐसी कुछ सबूत की बहनें होती हैं जो अपना कॉमन किचन चलाती हैं और ऐसे 12-15 बच्चों को खिलाती हैं, उनकी कमाई भी हो जाती है, उन बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो नए 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 विकसित करके हम स्वसभूतों को सेवा के क्षेत्र में भी ला सकते हैं, और इस काम को हमने बढ़ावा देना चाहिए। साथियों, बीता 15 दिनों में दो और बड़ी योजनाओं शुरू की गई है जिसका सीधा लाभ महिलाओं को, गांवों को होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि से पहली किस्त के रूप में सीधी मदद 1 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिल चुकी है। ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ या इससे कम भूमि है उनको अगर अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है तो जल्द ही उनके पास पहुंचने वाली है। इसी प्रकार पीएम श्रमयोगी मानधन योजना से भी आप सभी जुड़ सकते हैं। एक ऐसी योजना लाई है सरकार जिससे आप जुड़ सकते हैं। बुढ़ापे में 50, 60, 65 साल की उम्र हो जाती है तो शरीर काम नहीं कर पाता है, बच्चे भी फिर बस आज हम चले जाते हैं, हम अलग रहने चले जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे। हम एक पेंशन योजना लाए हैं, साल भर में करीब 40,000 रुपया पेंशन मिले, हर महीना 3,000 रुपये उसके खाते में आ जाए। करना क्या है, आपको 18 से 40 की उम्र के जो बहने भाई हैं इस स्व सहायक जूथ से जुड़े हुए हैं वे इस पेंशन में जुड़ जाएं, और अगर आप 100 रुपया जमा करेंगे तो मोदी अपनी तरफ से उसमें 100 रुपया डालेगा, आप 200 रुपया जमा करेंगे तो मोदी उसमें 200 रुपया डालेगा, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको हर महीने 3-3 हजार रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जितने दिन जिएंगे आप, आपको ये मिलता जाएगा। हमारी स्व सहायक जूथ की बहनें जुड़ सकती है, आपको उसके लिए करना भी कुछ नहीं है। आपके यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं उसमें चले जाइए, वहां फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको एक बार पैसा देना होता है, बाद में आपके बैंक के खाते में से पैसे जमा होता जाएगा और आपके लिए गारंटी बन जाएगी। मैं चाहूंगा कि देश भर की स्व सहायक जूथ की बहनें इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाए ताकि बुढ़ापे में भी आप सम्मान के साथ जी सके, किसी पर आश्रित रहना ना पड़े। साथियों, हमारे समाज में महिलाओं का स्वभाव है कि वो हमेशा अपने से ज्यादा परिवार के बारे में सोचती है। कितनी बढ़िया उसको पसंद आने वाली खाने की चीज बनाई होगी लेकिन वो पहले खाएगी नहीं जब तक परिवार के बाकी लोग खाते नहीं है। ऐसा ही करते हैं ना माताएं बहनें, खुद बीमार हो जाए तो अपनी चिंता नहीं करेगी, मेहनत करती रहेगी, परिवार में कोई और बीमार हो जाए तो सबसे पहले उसकी चिंता करेगी। अब मुझे स्थिति बदलनी है, हमारी माताएं बहनें बीमार हो, परिवार का कोई भी बीमार हो, हम आयुष्मान भारत योजना लाए हैं, आपको गोल्ड कार्ड निकलवा देना है। अगर वो कार्ड आपके पास है
तो साल भर में कितनी गंभीर बीमारी क्यों ना आ जाए, 5 लाख रुपए तक का परिवार का बीमारी का खर्चा मोदी सरकार देगी। अभी तो योजना को 6 महीने भी नहीं हुए हैं, अब तक करीब 14 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। गंभीर ऑपरेशन हुए हैं, आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। मैं चाहता नहीं हूं आप बीमार हो जाए, लेकिन अगर बीमारी आती है तो मेहरबानी करके पैसों के अभाव में आप बीमारी को मत झेलिए, पीड़ा मत सहन कीजिए। मोदी आपके लिए बैठा हुआ है, आपको आपको बीमारी से बाहर निकालने के लिए ये आयुष्मान भारत योजना है। आप सभी से भी मैं आग्रह करूंगा कि जिस भी गांव में शहर में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यरत है, वहां गरीब महिलाओं को आप आयुष्मान भारत योजना के प्रति जागरूक करें, उनको समझाएं। ये सारे काम हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अब देश के पास एक ऐसी सरकार है जो आपके पैसे का, आपके हक का, आपको जो मिलना चाहिए उसके लिए जी जान से जुटी हुई है और पाई पाई का सही उपयोग कर रही है। अब बिचौलिए नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है। मोदी को अपने लिए कुछ ले नहीं जाना है, और ले जाएगा तो करेगा क्या? मेरा परिवार तो यही है, 125 करोड़ का हिंदुस्तान, यही मेरा परिवार है। आपके आशीर्वाद बने रहे। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश और दुनिया की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं। आप यूं ही देश के विकास में अपना योगदान देती रहें, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत की नारी की, भारत की नारी की, भारत की नारी की। बहुत बहुत धन्यवाद।